क्या है ये? ये कढ़ाई अपनी इसमें है, मलाई बोटी का। ओहो, चिकन है। ये भी साथ आई है भाई। मजेदार। लो बेटा। भाई चिकन जा रही है, चिकन फिश। ये अंकल परेशान घूमे, इनको अभी तक शादी का भी एक इवेंट आप लोगों के सामने आना चाहिए, तो चलिए आज मेरे साथ मिलकर थोड़ा सा इसको विजिट करते हैं। मैं एक पार्टी में आया हूँ, तो लक्षण तो ज़ाहिर है मैं नहीं दिखाऊँगा, लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है, किस किस तरह के मेहमान यहाँ पे बैठे हैं, क्या गपशप चल रही है, कैसा खाना है, तो हम लोग देखेंगे आज। बताया ठीक है, शादी में आने के बाद ये भी एक बड़ा टास्क होता है कि जगह तलाश करना। हर बंदे की कोशिश होती है कि भाई खाने के करीब करीब जो है ना जगह मिल जाए, तो ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा ये देखें, यहाँ पर चूल्हे वूल्हे तो जला दिए हैं, कोल्ड ड्रिंक रखी हुई हैं, तो आप लोगों को खाने का भी कोशिश करूँगा कि एक व्यू करवा दूँ, ताकि जो देखने वाले उनके मुँह में पानी आए। चले आगे चलते रहते हैं, थोड़ा देखते हैं कौन क्या कर रहा है। ये किचन है, चलो जी तो लिया खाना ज़बरदस्त। सही वक्त पर जो है मैं आप लोगों के साथ आया हूँ, देखिए जी। अगर मौका वीडियो बनाने वाला तो नहीं है, हर बंदे की कोशिश है कि भाई सबसे पहले जो है हम उठकर क्या चीज़ निकालें अपनी प्लेट में, तो चले मैं भी ज़रा कुछ निकाल लूँ, फिर आप लोगों के साथ दोबारा आता हूँ। ये देखिए बस, देखें आप भाई चिकन जा रही है, चिकन फिश। ये अंकल परेशान घूम रहे, इनको अभी तक प्लेट नहीं मिली बेचारों को। दो परेशानी होती है, एक प्लेट मिल जाए फौरन, और फिर निकालने के बाद जो है जगह वही हो जहाँ पे पहले बैठे हुए थे। होता यही है कि खाना वाना निकाल के जब इंसान आता है ना वापस, तो सीट गिर चुकी होती है। लोग सोच रहे होंगे कि यार ना ये दूल्हा वालों का कोई करीबी रिश्तेदार है, ना कोई दुल्हन वालों का करीबी रिश्तेदार है, फिर इतने तवज्जो से एक एक चीज़ की वीडियो क्यों बना रहे हैं। लेकिन लोगों को पता नहीं है ना कि भाई मैं तो इस वीडियो जो है अपने पेज के लिए बना रहा हूँ। हाँ बेटा क्या निकाल लो तुम मेरे लिए, जरा गुलाब जामुन निकालो, बड़ी अच्छी थी गर्म गर्म सी। ये देखिए जी, हाँ चार निकालो। मीठा भी है, ये लबी शीरी है,
लो बेटा। लो बेटा। क्या है ये? ये कढ़ाई अपनी इसमें है मलाई बोटी की। ओहो चिकन है। ये भी साथ आई है भाई। जी मैंने पूरा एक व्यू करवा दिया है पूरे हॉल का, तो हम मुझे भी भूख लग रही है, अरे मैं अभी खाने के लिए जा रहा हूँ। तो आइडिया हो गया होगा आपको कि क्या यहाँ पर किस तरह का माहौल होता है कराची में। जो खैर कराची में रहने वाले हैं उनको तो खैर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है बताने की, जो कराची से बाहर वाले हैं जो देख रहे हैं तो उनके लिए हो सकता है एक नई चीज़ हो। चलिए जी मैं अब जो है खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, इंशाल्लाह अपनी वीडियो को कम्प्लीट करूँगा और फिर बाद में मुलाकात होगी आप लोगों से किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।